नए साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट या आर्मी द अपडेट्स में। आज के वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी की ओपन रैली भर्ती के बारे में। आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में बात करेंगे हम देश के यहाँ पर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की भर्ती के बारे में। आप लोगों को बता देंगे, अगर आप जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य से, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन रह रहे हैं कि आप लोगों की जम्मू की भर्ती और श्रीनगर की भर्ती कब कंडक्ट होगी। और आपको बता दें कि जो भर्ती होगी अभी नई, उसके जो रजिस्ट्रेशन, जिसके जो फॉर्म हैं, उसमें उम्र क्या रहेगी, इसलिए आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जहां पर भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी और टीए की भर्तियों की अपडेट्स दी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे हम जम्मू की भर्ती के बारे में। जम्मू की भर्ती के बात करें तो जो मार्च के महीने में टेंटेटिव कैलेंडर निकला था, उसके मुताबिक आपको ये भर्ती सेप्टेम्बर के महीने में होनी थी, बट यहाँ पर भर्ती पोस्टपोन हो गई है। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट्स मिलकर नहीं आ रही। आपको बता दें कि जहाँ पर सबसे पहले इंडियन आर्मी संजोवा वाला जो रिटर्न है वो लिया जाएगा। कश्मीर की भर्ती की बात करें, जो भर्ती कश्मीर की भर्ती जो आप लोगों की 24 से 30 जून के बीच में चलने वाली थी, लेह कारगिल की, तो आपकी पोस्टपोन हो गई थी। फिलहाल हम श्रीनगर भर्ती की बात करें, लेह और कारगिल वाली जो भर्ती है जो अभी 2022 में ही कंडक्ट होगी। ध्यान रखें, बाकी श्रीनगर की भर्ती 17 से 28 मई के बीच में चलने वाली थी। इसके बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं, इसके बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। ये भर्ती आपकी नवंबर के महीने में होने की उम्मीद है। आप लोगों को बता दें कि इसके एडमिट कार्ड जो हैं वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जारी हो सकते हैं, इसलिए जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जेड और जलंधर की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से आपकी कश्मीर वाली जो भर्ती है जो सोरावानी स्टेडियम में होगी, श्रीनगर, अनंतनाग, बड़गाम, बारामूला, कुपवाड़ा, गांधरबल, बांडीपुरा, कुलगाम के तमाम बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन की है, इनकी भर्ती नवंबर के सेकेंड वीक में होने की उम्मीद है। बाकी बात करें जम्मू की, तो जम्मू की जो भर्ती है इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो नवंबर के महीने में होने की उम्मीद है, और आपकी भर्ती जो है वो दिसंबर टू जनवरी में चलेगी। ध्यान रखें, जो दिसंबर टू जनवरी में आप लोगों की जम्मू डिवीज़न की भर्ती होगी, और उसमें उम्र जो रहेगी 1/10, ध्यान रखें 1/10/2000 से शुरू होगी। ध्यान रखें, आप लोगों की जो उम्र है 1/10/2000 से शुरू होगी जीडी की, इसलिए अपने माइंड में रखें। काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि जो उम्र होगी वो 1/10/2001 से शुरू होगी। आपको बता दें कि आप लोगों की जो भर्ती है नई भर्ती, इस दिसंबर के बाद अगली जो भर्ती आएगी, ध्यान रखें दिसंबर के बाद अगली भर्ती जो आएगी उसमें जो उम्र होगी वो 1/10/2001 रहेगी, इसलिए अभी जो दो भर्ती है, जो 2020 की 2021 की भर्ती है, इसलिए आप लोग अपनी उम्र को या अपनी एज को पीछे काउंट ना करें, और भर्ती आप लोगों की ज़रूर होगी। यहां पर जेड आर और जलंधर में कार्रवाई चल रही है। आप लोगों को बता दें कि इंडियन आर्मी ज्ञान यूट्यूब चैनल्स के जो सीनियर हैं, इंडियन आर्मी ज्ञान यूट्यूब चैनल के जो होल्डर हैं, वो आप लोगों को बता दें कि एक मेन चैनल आप लोग उन्हें मार सकते हैं। फिलहाल उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शन आई है, और जेड आर और जलंधर के आसपास ही शायद वो भी हैं। और आपको बता दें कि हमारे चैनल में कभी भी फेक इन्फॉर्मेशन व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं आता है। आपको पहले बताया, एक आधी वीडियो डालता हूं कभी कभार, फिर भी यहां पे इन्फॉर्मेटिव होती है, कुछ ना कुछ हमारे पास अपडेट्स आती है तभी हम वीडियो डालते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम टीए भर्ती की बात करेंगे। टीए भर्ती की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी यूनिट्स हैं, श्रीनगर में भी टीए की यूनिट्स हैं, इन सभी की भर्ती जो है वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में चलेगी, और मार्च में टीए का रिटर्न होगा पूरे भारत का। ऑल द बेस्ट।